हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास बीएससी की मैथमेटिक्स, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बुक रियल एनालिसिस, और वीडियो नंबर होने वाली है आज की हमारी 5। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की जो नेबरहुड से रिलेटेड थ्योरम्स थी, वही हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये सारी एक सीरियल वाइज आप इससे पहले के जरूर लेक्चर देखें फर्स्ट से, जिससे आपको नेबरहुड अच्छे से समझ में आएगा, जिससे ये टॉपिक भी समझ में आएगा। थ्योरम बहुत इजी है, वही करना है कि रियल नंबर के सेट को बताना है कि ये नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट का। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे ही प्रूफ करेंगे कि लेट एक्स जीरो बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और ये बिलोंग करता है एंड बिलोंग भी करता है आर पे, क्योंकि इसी के अंदर का पॉइंट दिखाना है, तो मान लिया ये आर पे बिलोंग कर सकता है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एनबीडी, There exist a positive epsilon such that एक ऐसा जरूर होगा such that x zero minus epsilon से x zero plus epsilon is an open इंटरवल विच कंटेन इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ये ओपन इंटरवल जो बनाया, उसके पास अनगिनत रियल नंबर्स हैं, ठीक। एंड हम ये कह सकते हैं एंड एक्स जीरो बिलोंग करता है x0 minus epsilon x0 plus epsilon, और ये ओपन इंटरवल में अनगिनत रियल नंबर हैं, और ये सारे रियल नंबर अपने सेट के अंदर तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल सही बात है, तो हम बोल सकते हैं अगर ऐसा होता है पॉइंट ओपन इंटरवल में, और इसके सारे एलिमेंट इसमें सारे रियल नंबर आ रहे थे, और रियल नंबर अपने सेट के अंदर आएंगे या आएंगे, तो हम बोल सकते हैं सो द सेट ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो। ये इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि रियल नंबर का जो सेट है वो नेबरहुड है इस पॉइंट एक्स जीरो का। तो एक्स जीरो इज आर्बिट्रेरी, तो हम बोल सकते हैं हैंस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब हम कह सकते हैं कि रियल नंबर का सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। तो आप यहां से क्या कह देंगे कि ये हमारी क्या हो गई बेटा, ये हमारी प्रूव्ड हो गई। अच्छा, अभी तक अगर हम देखें जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, तो ध्यान दो कि सर आप हमें ये पढ़ा चुके हो, अगर मैं आपको हिंट दूं यहां से कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा, तो अभी अगर हम देखें ध्यान देंगे कि जैसे नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता,
यही हाल क्या है, यही हाल क्यू का है, यही हाल इंटीजर का है, यही हाल नेचुरल का है, अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ हमने अभी तक थ्योरम में क्या पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा हमने ओपन इंटरवल होता है वो अपने हर एक पॉइंट का, ईच पॉइंट का नेबरहुड होता है। ऐसी हमने पढ़ा कि जो ये क्लोज इंटरवल होता है वो अपने ईच पॉइंट का तो होगा, बट किनको छोड़ के, एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी ना, एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। ठीक, और रियल नंबर क्या है, ईच पॉइंट का नेबरहुड। ईच पॉइंट मतलब अपने ईच पॉइंट, ध्यान रहे बाहर के ईच पॉइंट की बात नहीं भाई, नेबरहुड भाई आप जिसका नेबरहुड ढूंढ रहे हैं, मान लिया किसी कोई लड़का रवि है, उसके आसपास के मोहल्ले वालों को ही तो नेबरहुड बोलेंगे। अब रवि दूसरे शहर में रह रहा है तो फिर इस वाले मोहल्ले वाले को क्यों बोलेंगे नेबरहुड। तो पॉइंट पहले अंदर का होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिफ्थ वीडियो हमने आज ये कराई है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नई वीडियोस कैसे पता आपको चलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।